चलिए टेस्ट डिस्कस नहीं हुआ था, सेट ए देखो पहले। सी सेट ए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों के कम मार्क्स आ रहे हैं, वन वन मार्क्स भी आए हुए। कॉपी निकालो, नोट करो। फर्स्ट है, सुन लो ध्यान से, सेक्शन है वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है कि गलत? राइट। और रीजन है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। Assertion true, reason false, उसका आंसर था C. C was the answer of first question. An object is placed at 35 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Focal length 15 है, तो center of curvature कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? 35 के बियॉन्ड सी रखी हुई है। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी, और बिटवीन एफ एंड सी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो आपकी ऑप्शन है सी पार्ट, डिमिनिश्ड रियल इमेज, उनमें से ये करें। तो डिमिनिश्ड और रियल इमेज कहाँ पे बनती है? बिटवीन सी एंड, तो ये आपका आंसर। थर्ड है, व्हाट कैन बी इनसाइड द बॉक्स? व्हाट कैन बी इनसाइड द बॉक्स? ऐसे निकलती है लेट, कैसे कैसे पता लगा था? नेक्स्ट आंसर, इसका मतलब है कि रेस को फोकस पे रखा गया होगा। इसका मतलब जो रेस है फोकस पे आ रही होगी, जितनी भी रेस फोकस पे आती है पैरेलल जाती है। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू से क्या पता चलता है कि अगर तुम्हें पैरेलल है तो फोकस पे मीट करेगी, अगर फोकस पे तो पैरेलल जाएगी। दोनों में से कोई भी रूल आप यूज कर लो, यही आपकी इमेज आएगी। ये कन्वेक्स लेंस है, कन्केव लेंस नहीं है, ठीक है? कन्वर्जिंग, ये देखो ना, आप यहाँ पे ये वाला रूल लगा लो, तो ये सारी आपकी मीट कर रही है। ये यही वाला पोर्शन यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है? आंसर है कन्वेक्स लेंस डी पार्ट। फोर्थ आंसर है डी पार्ट, कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर, सेकंड का सी का थर्ड का पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है तो आंसर है इसका सी पार्ट। सी पार्ट का आंसर प्लस टू डायोप्टर सी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था, टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.75, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है? रियल इमेज विद अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और रियल इमेज है, इसका मतलब कब कन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड और स्मॉल इमेज बनाता है वो हमें केस लोकेट करना है। वो होगा बियॉन्ड 2f वाला केस। अगर फोकल लेंथ 8 है तो 2f कहाँ पे होगा? 16 पे।
बियॉन्ड 16 सेंटीमीटर वाला केस है ये, कि जो इमेज छोटी बन रही है, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज। तो इसका आंसर था आपका सी पार्ट, इसका आंसर था सी पार्ट। ये था सेट ए, देख लो बेटा उत्तर। हमने ये डिफरेंसेस में पॉइंट किया था, बच्चे ने मेरे को फोटोग्राफ नहीं किया। असेंशन टू है, रीजन में इन्वर्टेड होने की बच्चों में क्या होती, रीजन फॉल्स हो गया ना। अब सेट बी देखिए, सेट बी असर्शन है फॉर क्वेश्चन यू, द साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस इफ मूव्ड टुवर्ड्स अ कनकेव मिरर, राइट की रॉन्ग? कनकेव मिरर से की तरफ जाएं तो क्या साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज? इट इंक्रीजेस। आप कोई दो केस लेके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? साइज ऑफ इमेज जैसे कि जब इन्फिनिटी पे होती है तो पॉइंट साइज बनती है, जब हम बिटवीन सी एंड एफ रख देते हैं तो बियॉन्ड सी और मैग्नीफाइड, इसका मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रही है इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, मैग्नीफाइड होती जा रही है। तो ट्रू है, बैठ जाओ। रीजन, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ओवर साइज ऑफ, फॉर्मूला तो सही है पर क्या ये उसका एक्सप्लेन कर रहा है? उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब दोनों करेक्ट है पर उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बी पार्ट का आंसर फॉर सेट बी, तो सेट बी का आंसर है बी। सेट बी फर्स्ट क्वेश्चन बी, एक पावर ऑफ अ लेंस इज माइनस टू डायोप्टर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। एफ हो गया 100 ओवर टी, ये मीटर में आ गया। चलो यहाँ सेंटीमीटर भी तो बना हो रहा है, 50 आ गया। माइनस 50 सेंटीमीटर, दिस इज ऑप्शन सी। द सेकंड का आंसर है सी पार्ट, माइनस 50 सेंटीमीटर। 100 ओवर माइनस 100 ने 100 ओवर टू कर दो। अब थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ एफ बाय टू फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है एफ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मिरर लेंस फॉर्मूला यूज होगा। डी पार्ट, इट्स आंसर इज डी पार्ट माइनस एफ। डी कितना आ रहा है? माइनस एफ। जैसे आप और कोई वैल्यू डी और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो वैसे ही इसको सॉल्व करते हो, ठीक है? वैसे ही इसको सॉल्व करते हो। कन्या आप अपना फर्स्ट मेंट कर रही हो, परीक्षित आप कर फोर्थ क्वेश्चन।
down and occupy the stem and go like this. एक तो दूसरी साइड पे जा रही है, डाइवर्ट कर रही है, इसका मतलब मिरर में लेंस है क्योंकि दूसरी साइड पे जा रही है और डाइवर्ज कर रही है, बाहर को जा रही है, इसका मतलब ये कौन सा है? कंकेव लेंस, ए पार्ट। तो फोर्थ का आंसर था ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर पेरिमीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 30 डिग्री, कम हो गया। अभी नहीं ना, ब्रेक में ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें सेकेंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका विद रिस्पेक्ट टू वो वाला मीडियम, तो एंगल ये आएगा ना पहले, तो म्यू आएगा साइन आई ओवर साइन आर, वैल्यूज पुट कर दो, साइन 45 ओवर साइन 30, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लो। रूट टू इज 1.41, ए पार्ट इज करेक्ट, रूट टू इज 1.41, तो आपका आंसर है ए पार्ट 1.41। पता नहीं कैसे दूसरे आंसर वहां किए हुए। नंदनी आपने टेस्ट दिया था? हाँ जी, नहीं मेरे से तो नहीं ना हुई बात। क्वेश्चन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, आप बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, व्हाई डज सन एंड स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सनसेट सनराइज टाइम पे सारा स्काई रेड रेड सा हो जाता है, हाँ बताओ क्या रीजन है, क्या 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 Why red light has to travel long distance at that time? It is, वो तो हर टाइम पे हो रहा है, वो तो वैसे भी हो रहा है, अभी भी रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, अभी क्यों नहीं रेड दिख रहा हमें, ये रीजन नहीं है, हाँ ये रीजन है, because at the time of sunset or sunrise, the sun is near horizon, it's very far away. So sun rays have to travel a long distance. दूर होने की वजह से ऐसे होता है। तो सबसे पहले on the way, short wavelength colors are scattered. और उसके बाद medium wavelength colors are scattered. सारे color long distance में scatter होके use हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। Remaining light में वो color बचते हैं जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ के थे, जो लीस्ट स्कैटर्ड थे वही बचते हैं, और वो कौन से हैं? रेड और ऑरेंज, जो सबसे कम स्कैटर हुए थे, तो हमें उस टाइम पे स्काई रेडिश ऑरेंजिश दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। चलिए लिखे क्वेश्चन, व्हाई डज स्काई अपीयर रेडिश, व्हाई डज द स्काई अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, Why does the sky appear reddish at the time of sunset or sunrise? So, इसका आंसर है, at the time of sunset or sunrise,
at the time of sunset or sunrise, the sun is near horizon. The sun is near horizon. So the sun rays have to travel at the time of sunset and sunrise. The sun is near horizon. So the sun rays have to travel a long distance. So the sun rays have to travel a long distance on the way, full stop dal ke likho, on the way, short wavelength colors are scattered. On the way, short wavelength colors are scattered. Short wavelength colors are scattered. And in the remaining light, red color dominates. In the remaining light, red color dominates, which is least scattered. In the remaining light, red color dominates, which is least scattered, because of longest wavelength. Which is least scattered because of longest wavelength. Which is least scattered because of longest wavelength. So the sun, the sky appears reddish at that time. So the sky appears reddish at that time. ठीक है, नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. डोंट राइट इन कॉपी, यू कैन राइट इन रफ कॉपी. ठीक है, इफ यू हैव फेयर कॉपी यू कैन राइट, अदरवाइज रफ में नोट कर लो. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन आप सबको पता है, व्हेन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एयर इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, जब वही लाइट एयर में बेंड होती है हम उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यस, यू स्टैंड अप, स्टैंड अप रिदम. ठीक है, तो इसका रीजन, अब इसके आंसर क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो लिखिए. एक सन राइजेस क्वेश्चन है ये. सन राइजेस 2 मिनट्स अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज. सन rises 2 minutes earlier than the actual sunrise and remains visible 2 minutes after the actual sunset. Why? Remains visible 2 minutes after the actual sunset. Why? मतलब कि हम कहते हैं कि duration of the day 24 hours है, but actually अगर देखा जाए तो day is 24 hours 4 minute long. क्योंकि सन 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद तक रहता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब वो ऐसे क्यों होता है, तो पहली लाइन तो ये लिखेंगे दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इसमें क्या होता है कि जो सन विजिबल तब होगा जब वो यहां पे आएगा, होराइजन से ऊपर आएगा. 2 मिनट पहले अभी वो ऊपर नहीं आया, यहां पे है सन. ये अर्थ है हम जहां से देख रहे हैं. ठीक है, तो जब सन से रेज अर्थ की तरफ आती हैं, डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, यहां पे. तो जब सन की रेज इधर आती है दे बेंड टुवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. किसी पर्सन को जो यहां खड़ा है उसको लगेगा कि सन यहां पे है. सन की इमेज पहले ही दिखनी शुरू हो जाती है. लाइट की बेंडिंग की वजह से
सन यहाँ दिखना शुरू हो जाता है, ये इमेज है उसकी रिफ्रैक्शन की वजह से। क्या कह रहे हो? देखो हाँ, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो किसी को जो यहाँ खड़ा है उसको लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है, तो सन होराइजन से ऊपर विजिबल हो जाता है, तो उसका दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही बाद में सन वही है, उसकी इमेज दिखनी शुरू हो जाती है, लाइट बेंड हो रही है। हाँ।